मॉर्निंग फ्रेंड्स, नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ द हाइपरबोला, राइट। और वो भी तीनों फॉर्म्स में है। इट इज इन द पॉइंट फॉर्म एंड पॉइंट इज इन द कार्टेशियन फॉर्म, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द एक्स वन वाई वन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। और ये जो हाइपरबोला हम लेते हैं वो स्टैंडर्ड दो हाइपरबोला में से फर्स्ट वाला ही लेते हैं हर केस में। और वो जो इक्वेशन आप देखते हैं, डेरिवेशन सारी चीजें अवेलेबल है, वो फर्स्ट हाइपरबोला के लिए है, सेकेंड के लिए अवेलेबल नहीं है। अगर कभी जरूरत पड़े तो आपको हैंड टू हैंड वर्कआउट करके उसमें सेम वो चीज निकालनी पड़ती है, ठीक है। सो ऑल द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पॉइंट फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म और स्लोप फॉर्म दैट इज अवेलेबल इन बुक्स एवरीवेयर। वी यूज टू राइट द डेरिवेशन फॉर द फर्स्ट दैट इज द ट्रांसवर्स हाइपरबोला, दैट इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन। एंड वी नो दैट इन दिस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस वन। इलिप्स में यही वैल्यू होती थी, ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर होता था। यहाँ पे ये वैल्यू इंटरचेंज कर गई है, ये बातें ही याद रखने की होती हैं, ठीक है। सो पहले हम इसमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लेंगे एट द पॉइंट फॉर्म। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एक्स वन वाई वन, वी हैव टू फाइंड आउट एट द एक्स वन वाई वन। एंड मैंने ये लिख दी है सारी, ये पॉइंट फॉर्म में है, दिस इज इन द पैरामेट्रिक फॉर्म और ये स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं पहले, एज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो हमने सेम लिखी थी उसकी, एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर माइनस वाई बाई वन बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन लिखा था। अब इस लाइन का स्लोप निकाल लेंगे, सो वाई बाई वन बाई बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स एक्स वन बाय ए स्क्वायर प्लस वन होगा। ये पोर्शन इधर चला गया और बाकी ये दोनों इधर ही है, ठीक है। दिस पोर्शन इज दिस साइड वाई, तो ये माइनस होगा, ठीक है ना, दिस इज माइनस, राइट। हमें खाली स्लोप से मतलब है यहाँ पे, तो ये पोर्शन उधर जाएगा तो ये माइनस का ही होगा, ठीक बात है। और वाई इक्वल टू हम लिखेंगे वाई इक्वल टू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एंड दिस इज एक्स वन बाय वाई वन एंड माइनस बी स्क्वायर बाय वाई वन, राइट। और इसका हम स्लोप कॉपी कर लेंगे इनटू एक्स, इनटू एक्स है। नाउ दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, राइट। सो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू दिस इज बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एंड एक्स वन बाय वाई वन, राइट। देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगा इसको आप रेसिप्रोकेट करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर एंड दिस इज वाई वन बाय एक्स वन। तो ये नॉर्मल लाइन का स्लोप हो गया और पॉइंट हमें पता ही है एक्स वन वाई वन। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो नॉर्मल की इक्वेशन आप लिख लेंगे वाई माइनस वाई वन इक्वल टू नॉर्मल का स्लोप रख दीजिए इंटू दिस इज वाई वन बाय एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, राइट। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, दिस इज बी स्क्वायर एक्स वन इंटू वाई माइनस एक्स वन वाई वन इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू दिस इज माइनस ए स्क्वायर वाई वन इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस कैन बी रिटन एज एक्स वन वाई वन इंटू ए स्क्वायर, राइट। और फिर एक काम करें, इसको रीसेट करना है, वो इक्वेशन मैंने लिख दी है, हमें वही चीज क्रिएट करनी है इसमें, ए स्क्वायर ई स्क्वायर है यहाँ पे, दिस इज ए स्क्वायर, राइट। नाउ कम हियर, दिस इज ए स्क्वायर एक्स वाई वन, ए स्क्वायर वाई वन बोलो, ए स्क्वायर वाई वन इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स वन इंटू वाई इक्वल्स टू, और ये सारा पोर्शन इधर ले लेंगे, ए स्क्वायर एक्स वन वाई वन प्लस दिस इज प्लस एक्स वन वाई वन बी स्क्वायर। और देखिए पूरी इन होल इक्वेशन इफ यू डिवाइडेड बाय द एक्स वन वाई वन तो इक्वेशन मिल जाती है। सो डिवाइडिंग डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एक्स वन वाई वन, बाय एक्स वन वाई वन टू दिस इक्वेशन। उसको जैसे ही एक्स वन वाई वन से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इक्वल्स टू,
एक्स वन वाई वन एलिमिनेटेड एंड दिस विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और आपको पता है कि जब हम इस हाइपरबोला की बात करते हैं तो आप बी स्क्वायर को ये लिखा जा सकता है, तो आप ये भी चेंज कर सकते हो ए स्क्वायर, आइदर दिस और बी स्क्वायर की वैल्यू लिख लेंगे ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट। तो ए स्क्वायर कैंसिल होता है, आइदर यू कैन राइट द ए स्क्वायर ई स्क्वायर। सो दिस इज द इक्वेशन इन द पॉइंट फॉर्म, पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद हम इसी इक्वेशन को कन्वर्ट कर देते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में, बिकॉज वहां खाली एक काम करना है, जब हमारे पास में ऑलरेडी इक्वेशन है इसी इक्वेशन में उठा के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट डाल देना है एक्स वन वाई वन की जगह। सो देखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आप लिखोगे, ऑलरेडी हमारे पास में ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ चुकी है पूरा, ये सेम आप एज इट इज लेके इसमें ये काम करेंगे। इन पैरामेट्रिक फॉर्म सेकंड जो होता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ए सेक थीटा बी टेन थीटा, राइट। पहले कोऑर्डिनेट सी वाले होंगे ए सेक थीटा बी टेन थीटा, कंफर्म। सो इस पूरे कोऑर्डिनेट में यहाँ पे आप पॉइंट पुट कर देंगे एक्स वन वाई वन की जगह। सो देखिए ये काम करना है, फर्स्ट टू सेकेंड अगर लेना है तो यू हैव टू रिप्लेस एक्स वन वाई वन बाय ए सेक थीटा एंड बी टेन थीटा, और ऑलरेडी नॉर्मल की इक्वेशन हम यहाँ निकाल चुके हैं तो बस वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉर्मल की इक्वेशन मिल जाएगी दूसरी वाली। सो दिस कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर एक्स, एक्स वन की जगह आप लिखोगे ए सेक थीटा, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर वाई बाय दिस इज वाई वन इज बी टेन थीटा, बी टेन थीटा इक्वल टू इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म। सो कैन बी द ए एक्स बाय सेक थीटा प्लस बी वाई बाय टेन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसी इक्वेशन को आप चाहे तो कॉस को इनको ऊपर ले जाओ, सो यू कैन राइट द ए कॉस थीटा इंटू एक्स, ए कॉस थीटा इंटू एक्स प्लस बी बी कॉट थीटा इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ देखिए इक्वेशन लिखी हुई है, दिस इज इन द पैरामेट्रिक फॉर्म, सेकेंड कैन बी रिटन एज ए एक्स बाय सेक थीटा बी वाई बाय टेन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इट कैन बी रिटन एज द ए एक्स कॉस थीटा प्लस बी वाई कॉट थीटा। याद रखना ऐसा पॉसिबल होता है, जैसे मैंने थोड़ा लिखा है तो ऐसा नहीं है, याद रखने के लिए बेटर होती है कि फॉर्मेट ऐसे ही पढ़ा जाए, ए एक्स कॉस थीटा प्लस बी वाई कॉट थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे आपको याद भी हो जाएगा, तो इस तरह से याद रखें ये बेटर है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आती है हमारी नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन। सो अब जब हम हाइपरबोला में आ चुके हैं और मैंने उसको पैराबोला में भी प्रूव किया था नॉर्मल की इक्वेशन को, इलिप्स में भी हमने किया था, हाइपरबोला में हम नहीं करेंगे, हाइपरबोला में डायरेक्ट लिखेंगे। आपको ये चीज पता होगी कि नॉर्मल की इक्वेशन होती है, नॉर्मल की इक्वेशन में जो स्लोप होता है नॉर्मल का, जो भी हमने लिखा था एक्स वन बाई वन के फॉर्मेट में, उसको वो एम ले लेता है, लेट कर लेता है एम, और फिर वहां से एक्स वन की वैल्यू निकालते हैं, एक्स वन की वैल्यू को पैराबोला में प्लेस करते हैं, या वाई की वैल्यू निकालते हैं, वाई की वैल्यू को वाई वन की वैल्यू निकालते हैं और वाई वन की वैल्यू को हाइपरबोला में प्लेस करते हैं, तो करस्पॉन्डिंग एक्स वन निकलता है, और एक्स वन वाई वन यही पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बनता है इन टर्म्स ऑफ एम। हियर इन द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एम इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल, राइट। सो स्लोप फॉर्म में देखेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इफ एम इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल, एम इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल, जो नॉर्मल की इक्वेशन है उसी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में एम जो यहाँ पे डिनोट होता है टेंजेंट लाइन का स्लोप नहीं है, ये बात आप अच्छी तरह से याद करें समझें कि उसने नॉर्मल लाइन का जो स्लोप है उसको एम से ही डिनोट किया है। हम टेंजेंट लाइन में भी एम लिखते हैं लेकिन वो टेंजेंट लाइन का स्लोप है एम, हालांकि नॉर्मल का स्लोप माइनस वन बाय एम बनता है लेकिन यहाँ पे उसको उन्होंने माइनस वन बाय एम को फिर एम से रिप्लेस किया हुआ है,
ठीक है। इस तरह के डेरिवेशन मैंने पैराबोला में आपको करके दिखाए थे, इलिप्स में भी हमने वर्कआउट किया था उसको। सो नाउ वी आर नॉट डूइंग हियर बिकॉज इट इज द सेम रिपीटेशन ऑफ द थिंग्स, राइट। तो नॉर्मल की इक्वेशन डायरेक्टली ये आती है, वाई इक्वल्स टू एम एक्स, एम एक्स प्लस माइनस, एंड दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन टू एम, एंड द अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, राइट। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आप बिल्कुल मालूम चल रही है, कंडीशन ऑफ टेंजेंस कंडीशन ऑफ नॉर्मल सी होगी, कंडीशन ऑफ नॉर्मल सी मीन्स दैट पर्टिकुलर लाइन इज नॉर्मल टू द हाइपरबोला। सो दिस इज द कंडीशन इज दैट सी स्क्वायर आप स्क्वायर कर देंगे बेटर रहेगा, प्लस माइनस हट जाता है इसमें, एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर आ जाएगा। दिस बिकम्स द कंडीशन ऑफ नॉर्मलसी एंड दैट पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट इन इन टर्म्स ऑफ स्लोप, दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, एंड बिकॉज दिस इज द हाइपरबोला, राइट, एंड दिस इज द टेंजेंट, एट द टेंजेंट वी हैव ड्रॉन द नॉर्मल लाइन, सो दिस इज द नॉर्मल लाइन एंड दिस बिकम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इन टर्म्स ऑफ स्लोप ऑफ दैट लाइन, राइट। नॉर्मल का स्लोप है वो आप लिखेंगे प्लस माइनस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, दिस इज माइनस प्लस बी स्क्वायर एम अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। याद रखें कि एक फर्क आ गया है हाइपरबोला में, और हाइपरबोला की जो हमने टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखी थी नॉर्मल फॉर्म में, और नॉर्मल की इक्वेशन जो लिख रहे हैं इसकी स्लोप फॉर्म में, सो उन दोनों में एक फर्क है, जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में जो वैल्यू होती है ये वाली, दैट इज द अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। इसमें आपको याद है ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, यही बातें याद रखने की होती हैं, एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट डिफरेंस, मतलब ये याद रखें, ये मिस्टेक कर सकता है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जबकि टेंजेंट में जो कंडीशन बनती है उसकी सी की, सो दैट इज इक्वल्स टू, दैट इज सी इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे ये जो एम स्क्वायर है ये कॉफिशियंट यहाँ इसके साथ में अटैच हो जाता है नॉर्मल में, और ये नॉर्मल का स्लोप होता है, ठीक है। तो ये सारी हमारी कंडीशंस हुई, सारी बातें हुई, अब इस पे क्वेश्चंस लेना है, ठीक है।